नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। गगल एयरपोर्ट पहुंचा विवेक का पार्थिव शरीर, सीएम जयराम ने दी श्रद्धांजलि। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए पैरा कमांडो लॉन्स नायक विवेक कुमार का पार्थिव शरीर शनिवार को गगल एयरपोर्ट पर पहुंचा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीर जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार वीर जवान के परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शोक संतप्त परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। उन्होंने परिवार को अतिरिक्त 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 1993 में जन्मे विवेक 2012 में सेना में भर्ती हुए और परिवार से अकेले कमाने वाले थे। उन्होंने मौके पर मौजूद वीर जवान के पिता रमेश चंद को भी सांत्वना दी। विधायक जयसिंहपुर रविंदर धीमान, पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल पीएन अनंत नारायण, ब्रिगेडियर एमके शर्मा, कैप्टन मंगेश भोसले, उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल और एसपी खुशाल शर्मा ने भी पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। टिक्कर नाला के पास मिला 24 वर्षीय युवती का पुराना शव, पिछले 2 माह से थी लापता। चंगा क्षेत्र तहसील खुंडिया के टिक्कर नाला के पास एक युवती का पुराना शव मिला जो कि 2 माह पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देहरा भेज दिया और मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी खुंडिया प्यार सिंह ने की। जानकारी के अनुसार टिक्कर नाला के पास एक ग्रामीण बकरिया चराने गया था तो उसने नाले के पास युवती के शव को देखा और प्रधान को सूचना दी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गर्जे कर्मचारी, 2 बजे तक अल्टीमेटम, भारी पुलिस बल तैनात। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर शनिवार को हजारों कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर आवाज बुलंद करने धर्मशाला पहुंचे। सुबह 9:30 बजे डीसी कार्यालय धर्मशाला के बाहर एनपीएस कर्मचारी एकत्रित होकर शुरू हो गए। 12 जिलों से हजारों कर्मचारी यहां पहुंचे। बचपन का शौक पूरा करने के लिए ट्रक दौड़ा रही है एयर होस्टेस नेहा। एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करने के बाद सरकाघाट क्षेत्र के खुडला पंचायत के नेहा ट्रक दौड़ा रही हैं। उनके पिता ट्रांसपोर्टर हैं और उनके अपने ट्रक हैं। नेहा बचपन का शौक पूरा करने के साथ साथ पिता की व्यवसाय में उनका हाथ बटाने के लिए ऐसा कर रही हैं। नेहा को बचपन से ट्रक चलाने का शौक है जिसे वो पूरा कर रही हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।